हाय गाइस गुड इवनिंग एवरीवन। रात के बज रहे हैं लगभग पौने ग्यारह ग्यारह बजने में बस दस मिनट ही है आई होप आप सब अच्छे होंगे और माफ़ी चाहता हूँ लेक्चर को पोस्टपोन करने के लिए कल मैंने आप लोगों को लेक्चर का ए एस ट्वेंटी एट मैंने आपको प्रोवाइड किया बहुत दिन से पेंडिंग था एस ट्वेंटी एट बच्चे दिसक... पूछ रहे थे सर ए एस ट्वेंटी एट कब आएगा सो so, कल की हमारी छुट्टी इसलिए थी क्योंकि मैं आपको ए एस ट्वेंटी एट दे चुका था तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कि भाई ए एस ट्वेंटी एट भी दे दिया ऊपर से लर्पेट रिविजन का लाइव भी ले लिया सो so, अभी हम जो बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं ए एस सिक्सटीन की आप में से कौन कौन से बच्चों ने आपने आप में से कौन कौन से बच्चों ने ए एस ट्वेंटी एट देखा बताइए जल्दी कौन कौन से बच्चों ने ए एस ट्वेंटी एट देख लिया टेलमी मैं लाइव इसमें ओपन कर देता हूं मैंने अक्षत ने देख लिया हेमंत ने देख लिया अव... अवनी ने देख ट्वेंटी फाइव भी देखा मस्त था ऋतिक ने देख लिया आयुष बोल रहा है नहीं देखा कंप्लीट नहीं हुआ सर अभी केदार okay. साक्षी लक्ष्मण कैसा लगा अभी तक के हमारे पांचों के पांचों जो नए एएस एस हुए हैं वो पांचों के पांचों एस हमारे ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं मतलब ए एस फिफ्टीन फुल लेक्चर ए एस फिफ्टीन रेगुलर कोर्स का डल चुका है सबका एक एक लेक्चर ही है मतलब थोड़े से आ, साइज में बड़े होंगे ड्यूरेशन में बड़े होंगे ए एस फिफ्टीन डल चुका है ए एस ट्वेंटी फाइव डल चुका है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट पांचों के पांचों स्टैंडर्ड आपका भाई आपके लिए डाल चुका है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सबसे पहले ये इनिशिएटिव अपन ने लिया और अपने को देखकर बाकी फैकल्टीज ने भी डालना शुरू किया नहीं तो सब यही सोच रहे थे कि अरे नए एएस एस है। बच्चे तो भैया क्लासेस खरीदे ज्यादा अच्छा है चलो कोई ना और इन ए को अपन रैपिड रिविजन में भी लेंगे जिसमें से ए एस 15 मैंने ले लिया है चलिए चलिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच आपको जो जो बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे वो नए वाले वो जरूर दिखेगा अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा चलिए अभी बिना कोई वेस्ट टाइम वेस्ट किए हुए अभी अपन बात करेंगे एक सवा घंटा अपन बात करेंगे बोरिंग बोरिंग कॉस्ट पर सो so क्या है सबसे पहले बोरिंग वॉट इज बोरिंग बोरिंग मतलब लोन फंड अरेंज करना एक्सपेंशन पर्पज के लिए तो वॉट इज बोरिंग बोरिंग मतलब लोन लेना ठीक है तो बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या हुआ उस लोन से जुड़ा हुआ कॉस्ट उस लोन से जुड़ा हुआ कॉस्ट ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले इस के एस, एस के अंदर एस के अंदर सबसे पहले बात की गई इससे बोरिंग मतलब. होता है कॉस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब ब्याज का खर्चा और अदर कॉस्ट अदर कॉस्ट इसलिए कुछ और भी चीजें आने वाली हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे सो बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन रिलेशन टू द बोरिंग ऑफ फंड फंड्स को बोरो करने के रिलेशन में लगे एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट फंड्स को बोरो करने में ही लगता है फंड्स मतलब पैसा पैसे को बोरो करने के रिलेशन में जो जो खर्चा आता है अदर कॉस्ट भी वही होगी ठीक है बोलो बेटा क्लियर अगला अब ए एस सिक्सटीन कहता है कि भाई जो अदर कॉस्ट है उसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना तो आइए ए एस सिक्सटीन ने पांच एक्सक्लूसिव पॉइंट्स दिए हैं बोरिंग कॉस्ट के लिए कितने एक्सक्लूसिव पॉइंट्स दिए पांच

इंटरेस्ट के अलावा फंड्स को बोरो करने के रिलेशन में और कौन कौन से खर्चे आते हैं जैसे आप बैंक को प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो आप आ, क्या बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो स्टैम्प ड्यूटी क्यों देते हैं क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो मॉडगेज डीड साइन की जा रही है मॉडगेज डीड को स्टैंप मॉडगेज ड्यूट की डीड को रजिस्टर करने के लिए स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है आप किसी एजेंट के थ्रू आपको लोन दिलवाया जा रहा है एजेंट को ब्रोकर कमीशन प्रोवाइड की जा रही है ठीक है ना तो ये जितने भी खर्चे होते हैं इनको बोलते हैं एनसेलरी कॉस्ट अच्छा करोगे क्या जितना भी आपका एनसलरी कॉस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल आपका एनसलरी कॉस्ट हुआ लेटे से फिफ्टी थाउजेंड का है हाँ ना और आपका जो लोन का टर्म है वो कितना होगा टेन इयर्स का तो आप क्या करोगे फिफ्टी डिवाइड बाय तो कितना हो जाएगा 5, तो विल बी द द पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट फॉर एवरी ईयर सो हर साल का बोरिंग कॉस्ट कितना होगा फाइव थाउजेंड तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है द अमोटाइज पार्ट ऑफ सच कॉस्ट शेल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट तो अमोटाइज पार्ट को बोरिंग कॉस्ट मानेंगे हर साल का फाइव फाइव थाउजेंड का इज अंडरस्टूड और नॉट ठीक है जेस वॉट एवर द चार्जेस बैंक चार्ज कर रहा है आप फिर लोन से रिलेटेड लग रहा है वो सब आ जाएगा फिर इसके अलावा डिस्काउंट्स प्रीमियम विच आर इंकर्ड बाय द इंटरप्राइज इन रिलेशन टू द अरेजमेंट ऑफ फंड ये कौन से होते हैं भाई डिस्काउंट और प्रीमियम डिबेंचर इशू कर रहे हो डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो या फिर डिवेंचर को आगे चल के रिडीम करोगे प्रीमियम पे तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो डिस्काउंट तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है ये भी बोरिंग कॉस्ट कॉस्ट है है प्रीमियम तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा ये भी भी तुम्हारा बोरिंग हो रहा है। उसका पार्ट कितना पार्ट अमोर्टाइज पार्ट सेम मान लो तुम्हारा डिस्काउंट या प्रीमियम का अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड और डिवेंचर जो इशू किया है वो टेन ईयर के लिए किया है तो फाइव थाउजेंड इज अमोर्टाइज पार्ट एज इट इज अ बोरिंग कॉस्ट फॉर एवरी ईयर ठीक है आई मेरी बात समझ में, नहीं। आई मेरी बात समझ में नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है सर, कब आएगा? बेटा देखो मैं आप सबको बता सब देता हूं कि अभी हम सिक्सटीन तो पे चल रहे हैं इसके बाद टेन आएगा उसके बाद कंसोलिडेशन फिर हमारे ये वाले टॉपिक रहेंगे थोड़ा सा दूर है बेटा ठीक है चलिए हा तो ये हो गया अमोटाइज पार्ट ऑफ अमोटाइज़ पार्ट ऑफ एंसिलरी कॉस्ट अमोटाइज पार्ट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम चौथा होता है फाइनेंस चार्जेस

पर पूरा एक्सचेंज लॉस नहीं एक्सचेंज लॉस टू दिफरेंस इन इंटरेस्ट कॉस्ट इसको मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा इसको मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा ठीक है तो कुल मिला के पांच प्रकार की बोरिंग कॉस्ट होती है पहला इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इज पार्ट ऑफ एंसिली कॉस्ट अमोटाइज पार्ट ऑफ डिस्काउंट इनकेसचेंज लॉस एक्सचेंज लॉस का कुछ हिस्सा सबको समझ में आ गया कि नहीं चलिए कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं सबको समझ में आया कि नहीं हा ये देखिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्टी करवा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी करवा रहा हूं वो समझाने के लिए क्या समझाने के लिए लास्ट वाला एक्सचेंज डिफरेंस समझाने के लिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी ए एस सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर थर्टी एक सेकेंड सर सबसे पहले तो आप बता दो ये शीट क्या है बेटा ये क्या है ये है मास्टर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय मी ये मास्टर क्वेश्चन है सर ये शीट हमें कहां से मिलेगी सबको पता है ना सबको पता है ना शीट कहां से मिलेगी कि मुझे बताने की जरूरत है अभी फिलहाल क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है और पूछते रहते हैं कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं क्या सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं क्या तो हाँ भाई सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं और देते जा रहे हैं डे बाय डे ये शीट अपडेट होती जाएगी ठीक है आपको एक फोल्डर दिखेगा ऑल इन वन फोल्डर ऑल इन वन फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूली एडेड ए जितने भी पाँच ए मैंने एड किए उनके सबके नोट्स ठीक है ऑडियो रिविजन बहुत सारी चीज़ों की के ऑडियो रिविजन उसके अलावा रैपिड रिविजन के नोट्स ठीक है और एम सी क्यूज ठीक है और मास्टर क्वेश्चन ये मास्टर क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं मास्टर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा ठीक है क्लियर है बेटा सर अगर मैं आपके नोट से रिवाइज कर लिया है तो मैं तो क्या मैं दोबारा आपके रिविजन लेक्चर देखूं या नहीं भाई ये तो आपको डिसाइड करना है मैं आपको सच बताऊं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो मेरे नोट्स वगैरह इन सब चीजों से पढ़ चुके हैं और वो सिक्सटी परसेंट से अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर तो मुझे लगता है आरआर देखने की जरूरत नहीं है रैपिड रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है पर जिनका कॉन्फिडेंस सिक्सटी परसेंट से नीचे है जिन जिन टॉपिक के अंदर फिर ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप आरआर जल्दी निपटाओ उस टॉपिक का और फिर अपनी बाकी की प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की ठीक है चलिए अभी हम करने वाले हैं एक्स लिमिटेड हैज टेकन अ लोन टेन थाउजेंड यूएस डॉलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ फाइव परसेंट डॉलर में लोन लिया मतलब फॉरेन करेंसी लोन लिया फॉरेन करेंसी लोन कितने का लिया फाइव परसेंट तो भैया तो भैया क्या हुआ तो क्या लिया इन्होंने फॉरेन करेंसी लोन ऑफ टेन थाउजेंड यूएस डॉलर एट फाइव परसेंट फर्स्ट अप्रैल थर्टीन को ही लिया एक्सचेंज रेट कितना था फोर्टी फाइव पर डॉलर जिस दिन लोन लिया एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे कितना हो गया फोर्टी एट अगर यही लोन इंडियन करेंसी में लिया जाता लोकल करेंसी में तो कितने इंटरेस्ट पर मिलता इलेवन परसेंट पर सेम लोन सेम लोन इन रुपीज सेम लोन इन रुपीज रुपीज में यही लोन लेते तो कितने में मिलता इलेवन परसेंट पर एनम पे मिलता ठीक है ना तो अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है आपको सबसे पहले मेरे साथ लिखना है स्टेप नंबर वन कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन फॉरेन करेंसी लोन पर एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आपका फॉरेन करेंसी लोन है टेन थाउजेंड डॉलर मल्टीप्लाई बाय फाइव परसेंट तो कितना हुआ फाइव हंड्रेड डॉलर ठीक है ना ये इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया पर सर ये तो डॉलर में आ रहा है इसको रुपी में कन्वर्ट करो अच्छा ये इंटरेस्ट कॉस्ट एट ईयर एंड लगता है इंटरेस्ट तो ईयर के एंड पे लगेगा ना ईयर के बिगनिंग में इंटरेस्ट तो तो लग जाएगा क्या नहीं ना तो इंटरेस्ट इन in रुपी रूपी फाइव डॉलर मल्टीप्लाई बाय रुपी का रेट क्या चल रहा है कब का, का लेंगे ईयर एंड का ईयर एंड का रेट क्या चल रहा है फोर्टी एट तो 500 मल्टीप्लाई फोर्टी एट ये हो गया आपका ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज गाइज अंडरस्टूड नॉट बेटा थर्टी फाइव थाउजेंड कैसे आए ना लायक हाँ थर्टी फाइव थाउजेंड कैसे आए ना लायक कुछ भी बोलते हो चलो तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है क्या ये बोरिंग कॉस्ट 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 है हाँ, ये है ये ये बोरिंग बोरिंग का कौन से पॉइंट के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट है पॉइंट 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 नंबर 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 के हिसाब से मतलब मतलब ये इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग ये आपका बोरिंग कॉस्ट है पॉइंट नंबर के हिसाब से गाइज अंडरस्टूड और नॉट जल्दी जवाब दो मेरे को चलिए उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद करेंगे अपन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू अपन निकालेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट लोकल करेंसी बोरिंग लोकल करेंसी बोरिंग अगर बोरइंग को लोकल करेंसी में किया जाता अगर बोरिंग को लोकल करेंसी में किया जाता तो कितने में किया जाता अगर बोरिंग को लोकल करेंसी में किया जाता तो कितने में किया जाता तो लोकल करेंसी बोरिंग अगर होती तो कितने में होती तो बेसिकली आपकी बोरिंग कितनी होती आपका लोन होता टेन थाउजेंड डॉलर आपने लोन कितने किस डेट पर लिया था फर्स्ट अप्रैल थ्री में लिया था रेट चल रहा था फोर्टी फाइव रुपीज फोर्टी तो फाइव से मल्टीप्लाई करो तो आपका लोन होता फोर्टी फाइव लैख सॉरी फोर फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तुम को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो फोर लैख्टी थाउजेंड ठीक है फिर उस केस में आपका इंटरेस्ट कितना लगता इंटरेस्ट लगता इलेवन परसेंट पर तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का इलेवन परसेंट कितना लगता फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रहा है मेरी बात समझ में कि नहीं 49,500 का इंटरेस्ट लगता क्या सर ये हमारा सच्ची मुच्ची लगा है क्या नहीं ये सच्ची मुच्ची नहीं लगा है हम बोल रहे हैं कि अगर लोन लिया जाता अगर लोन लिया जाता लोकल करेंसी में तो कितना इंटरेस्ट लग सकता था इतना इंटरेस्ट लग सकता था इतना इंटरेस्ट लग सकता था इतना इंटरेस्ट लग सकता था ठीक है आई मेरी बात समझ में कि नहीं चलिए स्टेप नंबर थ्री हम बोलेंगे अब इंटरेस्ट की सेविंग कितनी हुई सेविंग इन इंटरेस्ट भाई इंटरेस्ट इतना लग सकता था और लगा कितना इतना इंटरेस्ट लगा इतना इंटरेस्ट लगा और लग सकता था तो कितने की सेविंग हो गई सेविंग इन इंटरेस्ट ट्वेंटी फोर थाउजेंड 49,500 में से 24,000 माइनस करो कितना आया पच्चीस पांच सौ पच्चीस पांच सौ की सेविंग बले, 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 मैं नाच रहा हूं पच्चीस हजार की सेविंग पच्चीस हजार की सेविंग पच्चीस हजार की सेविंग पर रुक जाओ मुझे नहीं नाचना चाहिए एक्सचेंज लॉस कितना आया है ड्यू टू चेंज इन रेट चेंज इन रेट रेट भी तो चेंज हो गया जब लोन लिया था तो रेट कितना चल रहा था फोर्टी फाइव अब रेट कितना चल रहा है फोर्टी एट ठीक है तो टेन थाउजेंड डॉलर का जो लोन लिया था उस पर तीन रुपए बढ़ गए भाई जब मैंने लोन लिया था तो फोर्टी फाइव का लोन चल रहा था अब मुझे आज के दिन पर फोर्टी एट हो चुका है मतलब अगर मैं आज के दिन रीपे करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट ही ज्यादा रीपे करना पड़ेगा तो मुझे थर्टी थाउजेंड का नुकसान हो गया मैं बोलूंगा बाप रे बाप मजाक हो गई मेरे साथ बाप रे बाप मजाक हो गई मेरे साथ

तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी बोरिंग कॉस्ट मतलब एक्सचेंज डिफरेंस बोरिंग कॉस्ट इज एक्सचेंज डिफरेंस मतलब एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग टोटल एक्सचेंज डिफरेंस में से बोरिंग कॉस्ट कितना होगा इंटरेस्ट की सेविंग तक का इंटरेस्ट की सेविंग तक का इसीलिए हम बोलेंगे एक्सचेंज लॉस थर्टी थाउजेंड और इंटरेस्ट सेविंग पच्चीस पांच सौ विच एवरेज लोअर विच इज लोअर तो लोअर कितना होगा ये हो गई आपकी बोरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू पच्चीस पांच सौ ये हो गया आपका पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव हेमंत रुक जाओ बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हो ये अभी बात अभी आई नहीं है ठीक है हेमंत रुक जाओ अभी मैं तुम्हारी बात को काटने वाला हूं तो पच्चीस पांच सौ पॉइंट फाइव तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना आ गया स्टेप वन में कितना था ट्वेंटी फोर थाउजेंड और स्टेप Uh, ये स्टेप फाइव कर दो चाहे तो तुम स्टेप फाइव कर दो स्टेप फाइव तो ट्वेंटी फोर था और ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड मतलब टोटल बोरिंग कॉस्ट नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब हेमंत भाई कह रहे हैं कि मतलब सर ये बोरिंग कॉस्ट होगी जो कैपिटलाइज होगी अभी मैंने कैपिटलाइज पर कोई बात ही नहीं की किसने बोला ये कैपिटलाइज होगी अगर मैंने ये फॉरन करेंसी लोन खरीदा है सिर्फ वर्किंग uh, कैपिटल के लिए

तुमने फंड्स को बोरो किया है किसी क्वालिफाइंग असेट को खरीदने के लिए यहां मैंने कोई असेट की बात ही नहीं की ठीक है आयशा बोल रही है सर स्टेप नंबर फोर और फाइव समझा दो फोर फोर अरे भाई आयशा तुमने जब लोन लिया था तो तुम्हारे लोन तुमने फर्स्ट अप्रैल को लिया था और डॉलर में लिया था तो एक डॉलर की वैल्यू कितनी थी तुम ठहरे इंडियन जब तुमने लोन लिया था तो तुमने पैतालीस रुपए के फोर्टी फाइव के हिसाब से कैलकुलेट किया के। तुमने बोला हाँ भाई मैंने 4, का लोन लिया पर आज एक साल बाद डॉलर का वैल्यू बढ़ गया 48, तुम बोल रहे हो बाप रे आज के दिन अगर मैं लोन को रीपे करूंगा तो मुझे 48 के हिसाब से रीपे करना पड़ेगा तीन घाटा हो गया घाटा एस नहीं देखा है नलायक तो तीन का घाटा हो गया है ना अब ये हो गई फोर्थ फिफ्थ स्टेप क्या है फिफ्थ स्टेप कुछ नहीं है एवर इज लोअर करना है ये वाला घाटा या ये वाला फायदा विच एवर इज लोअर मतलब इधर एक हाथ से तुम्हारा ये Uh, फायदा हो गया तुम बोल रहे हो पच्चीस पांच सौ का फायदा फायदा दूसरा वो नुकसान हो गया तो जो तुम्हें एक्चुअल नुकसान हुआ है तीस हजार रुपए का जो तुम्हें तीस हजार रुपए का एक्चुअल नुकसान हुआ है उसमें से तुम बोलोगे यार पच्चीस पांच सौ तो मेरा वैसे भी हो जाता खर्चा पच्चीस पांच सौ तो मेरा वैसे भी हो जाता अगर मैं इंडिया में भी लोन लेता अगर मैं इंडिया में भी लोन लेता तो भी मेरा पच्चीस पांच सौ का तो खर्चा होना ही था होना ही था तो मैं पच्चीस पांच सौ का बोल रहा हूं मेरी बॉरिंग कॉस्ट है एवर इज अगर यहां पर तीस की जगह बीस होता तो बीस और पच्चीस पांच सौ विच एवर इज लोअर तो बीस हजार होता है यहां पर ठीक है ठीक है चलो तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट के पांच पॉइंट बेटा सबको क्लियर है कि नहीं तो मुझे बताओ तो मुझे बताओ सब लोग बताएंगे बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट ठीक है और इसमें क्या क्या आता है एक तो इंटरेस्ट दूसरा क्या आता है दूसरा क्या होता है अमोटाइज पार्ट ऑफ एंसिलरी कॉस्ट तीसरा अमोटाइज पार्ट ऑफ अमोटाइज पार्ट ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम डिस्काउंट और प्रीमियम ठीक है चौथा फाइनेंस चार्जेस और पांचवा एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर ठीक है ना ये आपका होता है बॉरइंग कॉस्ट चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग असेट।

सबस्टेंशियल so, मतलब जनरली बारह महीने या उससे ज्यादा बट सात महीने आठ महीने नौ महीने के पीरियड को भी सबस्टेंशियल टाइम पीरियड माना जा सकता है सबस्टेंशियल टाइम पीरियड माना जा सकता है ठीक है बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं तो क्वालिफाइंग असेट मतलब क्या क्वालिफाइंग असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट जो रेडी होने में टाइम लगाए रेडी नहीं है वो रेडी नहीं है मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है उसका प्रोडक्शन करना पड़ रहा है उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्विजिशन तो रेडी होने के लिए क्या करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी ठीक है ना तो आप आप पूरी क्रोनोलॉजी समझो कोई भी असेट चाहे वो पीपीई हो चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो ठीक है ना चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चाहे वो इन्वेंट्री हो जो कि टेक्स टाइम टेक्स टाइम टू गेट रेडी रेडी होने में टाइम लगाए रेडी होने में टाइम लगाए रेडी मतलब यहां पर रेडी मतलब रेडी मतलब मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिशन एक्विजिशन रेडी मतलब यहां पर प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन तो कुल मिला के रेडी होने में जो असेट टाइम लगाए कितना टाइम लगा टाइम कौन कितना टाइम सब्सटेंशियल टाइम मतलब एक नॉर्मल टाइम से ज्यादा नॉर्मल टाइम से ज्यादा सब्सटेंशियल टाइम मतलब इट शुड बी ऑफ अ गुड लेंथ लाइक मोर देन सिक्स कुड बी मोर देन सिक्स मंथ समाइम इन मोर इन मोस्ट ऑफ द केसेस

ये थे देखे तुम लोगों ने मेरे साथ याद है कि नहीं एमसी की केस स्टडी डिस्कस किए थे अपन ने याद, याद करो याद करो याद करो ये वाला ए एस टेन और एस सिक्सटीन वाला उसमें भी जो 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 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रहा था याद करो वो नाइन मंथ्स का कैपिटलाइज हो रहा था याद करो हाँ थे कि नहीं तो हमने ये सारी केस स्टडीज वगैरह डिस्कस की थी अभी रिसेंटली तो उसमें नाइन मंथ्स के लिए कैपिटलाइज हो रहा था ठीक है तो ऐसी कोई भी दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी रेडी क्यों ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सके और सेल कर सके तो क्या बोल रही है अट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी ताकि हम उसको यूज कर सके और सेल कर सके सब्सटेंशियल पीरियड जनरली मीन्स ट्वेल्व मंथ बट नॉट ऑलवेज ठीक है अच्छा मैं किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा नहीं क्योंकि शेयर में इन्वेस्ट करने से ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता एक दो दिन में शेयर मिल जाते हैं दो चार पांच दिन में शेयर मिल जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी तो ठीक है ना तो ऐसे केस में उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोलेंगे तो क्वालिफाइंग एसेट समझ में आ गई दो बातें अपन ने समझ ली एक बोरिंग कॉस्ट समझ ली एक क्वालिफाइंग एसेट समझ ली बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं अब क्या समझेंगे अब अपन समझेंगे अबग्निशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट रिकोगशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट अब अब ट्रीटमेंट समझ रहे हैं अब आके हम ट्रीटमेंट समझ रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट को करना क्या है बेटा बोरिंग कॉस्ट को बोरिंग कॉस्ट के मोटा मोटी दो ही ट्रीटमेंट होंगे बोरिंग कॉस्ट के मोटा मोटी टोई ट्रीटमेंट होंगे या तो तुम बोरिंग कॉस्ट को क्या करोगे कैपिटलाइज या तो तुम बोरिंग कॉस्ट को क्या करोगे पी एंडल अकाउंट में चार्ज करोगे तुम उसको कैपिटलाइज कैपिटलाइज कब करोगे capitalize करोगे इफ फंड्स आर बोरोड अगर तुमने फंड्स को बोरोड किया है फॉर द पर्पस ऑफ फंड्स को तुमने बोरो किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन

दस दिन महीना मैक्स टू मैक्स तो क्या ट्रक क्वालिफाइंग नहीं पर तुम एक्वायर तो कर रहे हो ना एक्वायर कर रहे हो पर क्वालिफाइंग कर रहे हो तो इसीलिए जो लोन लिया है ट्रक के ऊपर उस लोन का इंटरेस्ट पहले दिन से पी एंड एल में जाएगा दूसरा एग्जाम्पल लोन लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिल्डिंग बनकर रेडी कब होगी कम से कम साल भर लगेगा सो हो सकता है दो साल हो सकता है तीन साल चार साल डिपेंड करता है बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कितना लंबा है ठीक है ना पर इतना पक्का है कि ऐसे कोई दो चार पांच दिन पंद्रह बीस दिन महीना दो महीना की बात नहीं है है ना तो बिल्डिंग बनने में टाइम तो लगेगा तो बिल्डिंग क्या हो गई क्वालिफाइंग कर रहे हो उसका तुम कंस्ट्रक्शन तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए या, पहला देर शुड बी द द्वालिफाइंग असेट दूसरा क्वालिफाइंग असेट का एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन के लिए आपने को अप्लाई किया ठीक है तीसरा एग्जाम्पल लोन लिया बिल्डिंग खरीदने के लिए

वो कहा जाएगा पीएनएल में क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग है इस बार वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है क्योंकि मैं खरीद रहा हूं कंस्ट्रक्शन पे नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं ठीक है बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं पीएनएल इन ऑल अदर केसेस तो बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में कब जाएगी बाकी सारे केसेस में हो गया ट्रीटमेंट दिस इज अ गुड ट्रीटमेंट बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं चलिए ये भी क्लियर हो गया तो यह था बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट यह था बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट आगे बढ़ते हैं अब तीन बातें बहुत जरूरी है तीन बातें बहुत, बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी कैपिटलाइजेशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुरुआत कब से करेंगे कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन शुरू कब से करेंगे कैपिटलाइजेशन को बीच में सस्पेंड करना पड़ेगा सस्पेंशन सस्पेंशन और कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन सीज कब करना पड़ेगा secession. Secession. के को स्टार्ट कब करोगे बीच में रोकना पड़ेगा टेम्पररी पीरियड के लिए और सेसेशन फाइनली कैपिटलाइजेशन बंद कब करोगे ठीक है ना ये तीन बातें समझनी है कमेंसमेंट कमेंसमेंट कब करोगे लेटर ऑफ फॉलोइंग डेट्स तीन डेट बोलूंगा उन तीन डेट में जो सबसे लास्ट में डेट जो जो डेट सबसे जो डेट लास्ट में आएगी वो डेट से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा पहला डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर on qualifying asset out of borrowed funds loan लिया था ना loan के पैसे से क्वालिफाइंग असेट खरीदने के लिए तुमने एक्सपेंडिचर किस दिन शुरू किया मतलब तुमने लोन को यूटिलाइज करना किस दिन शुरू किया लोन को यूटिलाइज करना तुमने किस दिन शुरू किया आई मेरी बात समझ में बोलो 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 तुमने किस दिन तुमने किस दिन बोरोड फंड्स को तुमने किस दिन बोरोड फंड्स को बोरोड फंड्स को यूटिलाइज करना शुरू किया ठीक है बोरोड फंड्स को यूटिलाइज करना शुरू किया एक्सपेंडिचर करना शुरू किया दूसरा डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस दिन से स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट किस दिन से स्टार्ट हुआ और तीसरा डेट वेन ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज डेट वेन ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज स्टार्टेड टू एक्वायर कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस क्वालिफाइंग एक्टिविटी शुरू हुई जैसे एक अप्रैल को लोन लिया मान लीजिए लोन लिया मैंने एक अप्रैल को तो इंटरेस्ट कब से लगना कब से लगना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट कब से लगना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट मेरा एक अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा पर मैंने लोन का एक्चुअल पैसा यूटिलाइज किया मैंने लोन का एक्चुअल पैसा यूटिलाइज किया आ, मतलब जो एक्सपेंडिचर किया वो किया एक मई को मैंने एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया एक मई को अब मैंने एक मई को सामने वाले को एडवांस के रखा था पर उसने एक्चुअल काम कब शुरू किया उसने एक्चुअल काम कब शुरू किया एक जून को काम उसने एक जून को शुरू किया तो बताइए लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कब से मैं बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा एक जून से उल्टा भी हो सकता है काम एक मई से हो चुका है शुरू पहले से ही मैं अपना पैसा लगाते जा रहा था पर मैंने लोन का पैसा कब लगाया मैंने लोन का पैसा लगाना शुरू किया एक जून तो एक जून से बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे आया समझ में कि नहीं तो क्या बोला मैंने लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एक्सपेंडिचर किस दिन से स्टार्ट हुआ बोरोड बोरोड फंड में से तुम खुद का पैसा लगाना शुरू कर चुके हो वो नहीं माना जाएगा बोरोड फंड में से पैसा यूटिलाइज कब कब से करना शुरू किया और तुमने बोरिंग बोरिंग तुम्हारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कब से लगना शुरू हुई और इसके अलावा डेट व्हेन ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज आर स्टार्टेड ठीक है क्लियर ये था तुम्हारा कमेंसमेंट यहां से तुम कैपिटलाइजेशन शुरू करोगे तो जिस डेट से शुरू करोगे अब तुम्हारा डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और मई अगर मैं जून से कैपिटलाइज करूंगा तो अप्रैल और पीरियड का, का जो इंटरेस्ट होगा उसका क्या करोगे तुम मुझे बताओगे चलो अब बात करते सस्पेंशन सस्पेंशन अब बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन सस्पेंशन मतलब टेंपररी टू uh, मतलब रोकना कैपिटलाइजेशन को टेंप्ररी रोकना कैपिटलाइजेशन को टेंपररी रोकना कैपिटलाइजेशन को टेंपररी रोका कब गया

पागल हो गए हो क्या बैंक क्यों नहीं इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना क्यों रोकेंगे क्यों रोकेंगे क्योंकि जिस क्वालिफाइंग असेट पे तुम्हारा काम चल रहा था ना वो काम बंद हो गया कुछ टाइम के लिए हाँ द वर्क इज इंटरप्टेड द वर्क इज इंटरप्टेड आई मेरी बात समझ में कि नहीं तो क्या लिखा गया है एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड इफ एक्टिव डेवलपमेंट ऑन क्वालिफाइंग असेट इज इंटरप्टेड मतलब कुछ दिन के लिए काम रुक गया है ठीक है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इसका मतलब क्या है सर एक्सटेंडेड पीरियड एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब यह है एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब यह है हा एक्सटेंडेड पीरियड मतलब कुछ अच्छे खासे दिन के लिए अगर काम रुका रुका है है दो चार पांच दिन के लिए काम रुका है तो तुम तुम इसको सस्पेंशन मत करो तुम कैपिटलाइजेशन करते जाओ दिवाली की छुट्टियां लग गई चार पांच दिन के लिए लोग नहीं आ रहे अरे तो फिर काम रुक गया ठीक है पर क्या ये कोई कोई एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पीरियड पीरियड मतलब बड़े समय के लिए काम रुका कम, से कम महीना दो महीना महीना भर तो मान ही लो ठीक है ना बड़े समय के लिए काम रुकाओ एक्टिव डेवलपमेंट इज अन इज इंटरप्टेड एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुआ ठीक है ना ड्यू टू ड्यू टू एनी अवॉयडेबल रीजन अवॉयडेबल रीजन मतलब किसी ऐसे कारण से जिसको अवॉइड किया जा सकता था जिसको हम अवॉइड कर सकते थे किसी अवॉइडेबल रीजन की वजह से अवॉइडेबल रीजन की वजह से एक्टिव डेवलपमेंट रुक गया आया समझ में कि नहीं अवॉइडेबल रीजन की वजह से एक्टिव डेवलपमेंट रुक गया ठीक है ना नो सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन इफ इंटरप्शन इज बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजन पर अगर अन अवॉइडेबल रीजन की वजह से अनअवॉडेबल रीजन की वजह से काम रुका है तो तुम्हें सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं है बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड suspe... के कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है बोरिंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड मत करो तुम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ आई बात समझ में ठीक है सर ये अवॉइडेबल अन कैसे पता चलेगा जैसे बाढ़ आ गई या फिर सीजन अभी ऐसा नहीं है जिसपे काम किया जा सके हमें दो महीने काम रोकना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज बारिश बाढ़ ऐसा रेनी सीजन आ गया काम रोकना ही पड़ेगा अन रीजन कोरोना अनअवॉइडेबल रीजन बट वॉट शुड बी द अवॉइडेबल रीजन भाई बिल्डिंग परमिशन नहीं ली थी हमने हमें बिल्डिंग परमिशन लेनी चाहिए थी बिल्डिंग परमिशन हमने ली थी फोर्थ फ्लोर तक और फोर्थ फ्लोर के ऊपर हमने बनाना शुरू किया बिना बिल्डिंग परमिशन के तो हमारी गलती है ना यार हमें बिल्डिंग परमिशन लेनी चाहिए थी बिल्डिंग परमिशन हमने आ, नहीं ली फिफ्थ फ्लोर बना लिया और हमारा काम रुक गया काम रुक गया क्योंकि हमें स्टे ऑर्डर आ गया अब स्टे ऑर्डर अगर हमें आ गया तो हम क्या करेंगे बाप रे हमें स्टे ऑर्डर आ गया तो हम क्या करेंगे काम रोकना पड़ेगा काम रोकना पड़ा ये क्यों रोकना पड़ा क्योंकि अवॉइडेबल रीजन था अगर हम पहले से ही परमिशन ले, ले लेते तो काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज अब नहीं करेंगे उतने महीने के लिए आई मेरी बात समझ में बोलो बेटा क्लियर फाइनली लास्ट क्या है ऑफ़ ऑफ़ कैपिटलाइज़ेशन कैपिटलाइज़ेशन मतलब अब बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज मत करो of of अरे भाई, तुमने लोन लिया है दस साल के लिए

ंस द क्वालिफाइंग असेट इज रेडी टू यूज आफ्टर दैट यू कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट सो क्या बोला मैंने क्वालिफाइंग असेट इज रेडी टू यूज फर्दर बोरिंग कॉस्ट फर्दर बोरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज फर्दर बोरिंग कॉस्ट तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते फरदर बोरिंग कॉस्ट को तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते आई मेरी बात समझ में कि नहीं ठीक है बेटा क्लियर हुआ कि नहीं तो क्या बोलेंगे दैट मींस वेन एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड मैक्सिमम सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं

मतलब सॉरी पार्ट्स को अगर सेपरेटली यूज कर सकते हो तो उस पार्ट के लिए तुम कैपिटलाइजेशन रोक दोगे बाकी के पार्ट्स के लिए तुम्हारा कैपिटलाइजेशन चलता जाएगा उस पार्ट के लिए तुम्हारा कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है बाकी पार्ट्स के लिए कैपिटलाइजेशन बाकी पार्ट्स के लिए कैपिटलाइजेशन चलता जाएगा ठीक है बोलो बेटा ये क्या हो गया सेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट आई मेरी बात समझ में बेटा तो ये हमने किया अभी तक एस सिक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा क्या 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 होता है? Qualifying asset क्या होता है है अब बस एक ही चीज बची हुई है टाइप्स ऑफ बोरिंग एंड बोरिंग कॉस्ट कल करें कि आगे बढ़े एक्चुअली क्या है मैं बहुत थका हुआ हूं तो

चलो करते हैं टाइप्स ऑफ बोरिंग्स टाइप्स ऑफ बोरिंग्स टाइप्स ऑफ बोरिंग दो प्रकार की बोरिंग होती है आई एम एक्चुअली वेरी वेरी टायर्ड सुबह मेरी क्लास भी है साढ़े आठ बजे बट ठीक है मैं जितना कर पाया अभी जितना कर पाया टाइप्स ऑफ बोरिंग्स बोरिंग कितने टाइप की होती है बोरिंग होती है एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है स्पेसिफिक बोरिंग एक होती है जनरल बोरिंग एक होती है जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग मतलब बोरिंग टेकन फॉर एनी स्पेसिफिक असेट पर्पसली एक पर्टिकुलर असेट एक या दो स्पेसिफिक असेट के लिए लिए ठीक है अमाउंट बोरोड फॉर वन और मोर स्पेसिफिक असेट्स ठीक है ना जनरली एक असेट होती है पर एक से ज्यादा भी हो सकती है ठीक है जनरली एक होती है इसीलिए अपन वन टू वन बोलते हैं वन लोन वन असेट पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक लोन ले रहा हूं दो असेट्स के लिए एक बिल्डिंग के लिए और एक लैंड के लिए ऐसा भी हो सकता है ठीक है और जनरल बोरिंग जनरल बोरिंग क्या होती है अमाउंट बोरोड बट पर्पस इज नॉट मेंशनड इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पस मल्टीपल पर्पस के लिए लोन यूज किया जा सकता है मल्टीपल पर्पस के लिए हम लोन को यूज कर सकते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए लोन यूज कर सकते हैं आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं मल्टीपल पर्प के लिए लोन यूज कर सकते हैं मतलब एक ही लोन को मैं तीन चार पांच असेट्स में यूज कर रहा हूं ठीक है ना दैट इज कॉल्ड कॉल्ड जनरल बोरिंग करना क्या है स्पेसिफिक के के बोरिंग केस में जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो उस स्पेसिफिक असेट में ही कैपिटलाइज होगी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू सच स्पेसिफिक असेट ओनली बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक असेट में ही कैपिटलाइज होगी ठीक है ना पर यहां पर यहां पर क्या है इफ मोर देन वन बोरिंग्स आर देयर भाई बहुत सारे लोन्स हैं बहुत सारे लोन्स हैं विथ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ठीक है ना एंड यूटिलाइज फॉर डिफरेंट क्वालिफाइंग असेट्स आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफाइंग असेट्स के लिए यूटिलाइज किया है आपके बहुत सारे लोन चल रहे हैं जनरल नेचर के दो या तीन चल रहे हैं जनरल नेचर के और आपने अलग अलग परपस से अलग अलग सॉरी uh, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रखे और आप उनको मल्टीपल में यूज़ कर रहे हो ठीक है हम क्या कैलकुलेट करेंगे वी कैलकुलेट डब्ल्यू ए सी आर या डब्ल्यू ए बी आर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट या फिर वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट ठीक है ना निकालना सिखा रहा हूं डोंट वरी वेटेड एवरेज कैपलाइजन रेट वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट वेटेड एवरेज कैपलाइजन रेट वेटेड एवरेज बोरइंग रेट वेटेड एवरेज कैपिलाइजन रेट वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट स्पेसिफिक बोरिंग जनरल बोरिंग आइए मास्टर प्रॉब्लम्स से कुछ कुछ समझाने को तो मिलेगा मुझे आइए क्वेश्चन नंबर छब्बीस क्वेश्चन नंबर छब्बीस एनटीडी टू का एसबीआई लोन ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेल्व परसेंट वन फोर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेटा ये स्पेसिफिक बोरिंग है सर आपको कैसे पता चला लिखा है ना फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखा है ना फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है लोन कब लिया बेटे लोन कब लिया एक चार बाईस को लोन लिया तो मुझे बताओ डेट ऑफ इंटरेस्ट कब होगी एक चार अब एक पांच को तुमने लोन का अमाउंट यूटिलाइज किया पंद्रह लाख रुपए और एक अगस्त को तुमने लोन का अमाउंट यूटिलाइज किया दस लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया अट्ठाइस फरवरी को तो पॉरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हम बात करें कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो तीन डेट बताई थी मैंने तीन डेट बताई थी मैंने क्या पहला एक्सपेंडिचर स्टार्ट डेट तो एक्सपेंडिचर स्टार्ट डेट क्या है फर्स्ट मे इंटरेस्ट स्टार्ट डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल, और नेसेसरी एक्टिविटीज कब से हुई पता ही नहीं तो जब एक्सपेंडिचर शुरू हुआ तभी मान लो तो नेसेसरी एक्टिविटीज स्टार्ट डेट फर्स्ट मई मान लो तो विच एवर इज लेटर विच एवर इज लेटर मतलब फर्स्ट मई फर्स्ट मई से मैं कैपिटलाइजेशन करना शुरू करूंगा सस्पेंशन यहां पर आ नहीं रहा है जब जब क्वालिफाइंग असेट रेडी टू यूज हो गई है तो क्वालिफाइंग असेट रेडी टू यूज कब होलीफाइंग असेट रेडी टू यूज कब हो फरवरी को 28 फरवरी को आपकी क्वालिफाइंग असेट रेडी टू यूज हो चुकी थी तो आप यहां पर कैपिटलाइजेशन बंद करोगे तो मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन शुरू कब होगा एक मई कैपिटलाइजेशन बंद कब होगा अट्ठाईस फरवरी तो बताइए कितने महीने कैपिटलाइज होगा कितने महीने कैपिटलाइज होगा दस महीने टेन कैपिटलाइज होगा अरे नलायकों आई बात समझ में नहीं। अब तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर सर पर लोन वैसे भी पूरा थोड़ी यूज किया है एक मई को हमने तो कुछ पार्ट यूज किया है बाकी पार्ट तो एक अगस्त को यूज किया है याद रखना अब स्पेसिफिक बोरिंग केस में वंस द फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज स्टार्टेड द इंटायर बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज ऑन द इंटायर लोन विदाउट विदाउट कंसिडरिंग द पार्शल एक्सपेंडिचर डेट्स स्पेसिफिक लोन के अंदर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रेगुलर क्लास या एग्जाम ओरियंटेड क्लास किए हुए हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा अभी सिर्फ रिवाइज हो रहा है पर जितने मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो ध्यान से सुन लें जो रेपिड रिविजन देख रहे हैं स्पेसिफिक लोन के अंदर आपका पैसा जिस दिन से यूज होना शुरू हुआ उस दिन से लेकर पूरा बोरिंग कॉस्ट कैप्ट होगा चाहे लोन पार्शली यूज हुआ हो स्पेसिफिक का ये एक important rule है, specific का ये एक important rule है ठीक तो स्पेसिफिक अच्छा यहीं पर अगर जनरल बोरिंग होती तो, तो हम डेफिनेटली अलग अलग डेट वाइज जाते अलग अलग डेट वाइज जाते ठीक है पर स्पेसिफिक में वंस द एक्सपेंडिचर इज स्टार्टेड

क्या करेंगे सर यहाँ पर हम हम यहाँ पर टेन मंथ्स का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे टेन मंथ्स का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे तो पच्चीस लाख मल्टीप्लाई बाय बारह परसेंट टेन बाय ट्वेल्व ढाई लाख ढाई लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा बाकी पचास हजार का इंटरेस्ट बाकी इंटरेस्ट तो पूरे साल भर का लगेगा ना क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका वन फोर से स्टार्ट हुआ

स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट में आई क्या मेरी बात समझ में कि नहीं एक और बात एक और बात इफ बोरोड फंड्स आर टेम्पररी इन्वेस्टेड अगर आपने स्पेसिफिक लोन लेकर बोरोड फंड्स को टेम्पररी कहीं इन्वेस्ट कर दिया Temporary कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया ठीक है ना टेंपररी कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया देन इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाओगे आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाओगे आप उस इनकम को टोटल बोरिंग कॉस्ट से माइनस करोगे इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट बिफोर कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन करने से पहले आप उसमें से माइनस करोगे कैपिटलाइजेशन करने से पहले आप माइनस करोगे टेम्पररी आपने इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटलाइज करने से पहले माइनस करोगे देखिए क्वेश्चन बताता हूं आपको एक और आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एंटिटी बोरोड वन फोर ट्वेंटी टू नाइन परसेंट थर्टी लैख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट अगेन आई वुड से इट इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग स्पेसिफिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टू बोर टू क्वालिफाइंग एसेट पर्पसली लिखा है कि दो क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए

तो पहली असेट टोटल कितना लग रहा है दस लाख दूसरे असेट टोटल कितना लग रहा है बीस लाख पर पैसा कब कब खर्च कर रहे हो एक चार्ज को तुम खर्च कर रहे हो पांच और दस पंद्रह तो बाकी के बचे हुए पंद्रह तुमने टेम्पररी इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि अगली बार तो तुम एक अक्टूबर को खर्च करोगे ना तो तुमने क्या किया तुमने छह महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया छह महीने के लिए तुमने

सात परसेंट की इनकम कमाई बोलो पांच लाख का सात परसेंट कितना आया थर्टी फाइव थाउजेंड और सेवेंटी थाउजेंड तुमने ये इनकम कमाई तुम इस इनकम को क्या करोगे तुम इसको इनकम को पी में नहीं ले जाओगे टोटल बोरिंग कॉस्ट में माइनस करोगे टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है टोटल बोरिंग कॉस्ट आपकी लोन लगा एक चार एक चार को लोन लगा तो आ, दस लाख पे अलग निकालो बीस लाख पे अलग निकालो दस लाख पे नौ परसेंट नब्बे हजार ठीक है ना नौ परसेंट नब्बे हजार अच्छा एक सेकेंड छह महीने के लिए किया ना सॉरी छह महीने के लिए किया, टू डिवाइड बाय टू तो कितना पांच सौ सत्रह पांच सौ और ये थर्टी फाइव थाउजेंड दो छह महीने के लिए फंड्स को इन्वेस्ट किया क्योंकि अगली अक्टूबर को मुझे पैसे चाहिए तो आपने फंड महीने के लिए ठीक है अब आपका टोटल बोरोइंग है दस लाख का नौ परसेंट नब्बे हजार आ रहा है नब्बे हजार नब्बे हजार माइनस सत्रह पांच सौ बाकी का बोरिंग कॉस्ट कितना बचेगा सेवेंटी टू हंड्रेड कैपिटलाइज पहले दिन से ही कैपिटलाइज क्यों क्योंकि वंस द एक्सपेंडिचर इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट डेट ओनली यू विल स्टार्ट कैपिटलाइजिंग द इंटायर बोरिंग कॉस्ट इवन दो द लोन इज यूटिलाइज पार्शली ठीक है बोलो जी कर लूंगा रेस्ट कर लूंगा वरी ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर बात कर लेंगे बाद में ठीक है टेल मी जल्दी बोलो समझ में आएगी नहीं इसको ऐसा देखो क्वालिफाइंग असेट वन के लिए आपको दस लाख रुपए की जरूरत है यहां पर आपने पांच किए यहां पर आपने पांच किए तो पहले दिन से आपने पांच किए तो पहले दिन से पांच किए तो मतलब पहले दिन से ही होना शुरू हो जाएगा भले आपने लोन को पार्शियली किया है, कोई दिक्कत करोगे क्वालिफाइंग एक लाख अस्सी हजार का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ट्वेंटी लाख रुपीज पर आपको थर्टी फाइव थाउजेंड की टेम्प्री इनकम आई तो

क्वालिटी मेरी डिग्रेड हो सकती है बचा क्या है जनरल बोरिंग कॉस्ट बचा हुआ है जनरल बोरिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग मैं बाकी बातें बाद में करूंगा इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन प्रैक्टिस डोंट वरी क्योंकि जनरल बोरिंग कॉस्ट अपने आप में एक अच्छा खासा पोर्शन है तो uh, वैसे भी फोर्टी फाइव फिफ्टी मिनटे नहीं है तो वील, uh, वील गाइस क्या बोलते हो कल शाम को ही कर लेंगे ले कर लेंगे कल शाम को साढ़े छे चलेगा बोलिए कल शाम को साढ़े छह बजे ही कर लेंगे जनरल बोरेंगे नॉट ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच बाय 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं आप मेरे पहले स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए आप लेक्चर्स देखिए लेक्चर्स देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है आप मुझे फीडबैक अपना दीजिएगा थैंक यू नॉट गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट जय हिंद जय भारत